भोपाल में आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली हो रही है। इस दौरान स्वराज एक्सप्रेस के संवाददाता को कवरेज से रोका गया, जहां आप सम्मेलन में कुर्सी खाली होने का सच आप पार्टी नहीं पचा पाई। जब स्वराज संवाददाता ने लोगों से अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछा तो वो केजरीवाल के बारे में जानकारी नहीं दे पाए। इस दौरान आपके कार्यकर्ता भी अभद्रता करते नजर आए, जहां स्वराज संवाददाता से आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथापाई की भी कोशिश की। से दावा किया जा रहा था पार्टी का कि एक बड़ा सम्मेलन आज होने जा रहा है भोपाल में, लेकिन एक खाली कुर्सियां गवाही दे रही है कि लगभग जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों से करीब 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो यहां पे आएंगे, लेकिन खाली कुर्सियां ये गवाही दे रही है कि 5,000 के करीब भी लोग यहाँ पे जुटा नहीं पाए हैं। यानी जिस तरीके से कहा जा रहा था कि एक बड़ी हल्ला बोल बड़ा सम्मेलन आप पार्टी का यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पूरी तरीके से आप पार्टी के पदाधिकारी आम जनता ने सम्मेलन को पूरी तरीके से नकार दिया है। और ये जो खाली कुर्सियां है ये बता रही है कि आखिर क्या पूरा हश्र है आप पार्टी के। कुछ लोग हैं, मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हो? बाणगंगा। किसको सुनने आए हो? भाषण सुनने आए। किसका भाषण सुनने आए हो? केजरीवाल का। क्या कौन है केजरीवाल? कौन है? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए हो? आप जानते हैं केजरीवाल कौन है? जानते ना। कौन है? दिल्ली के वो है। कौन है? कौन है? आप जानते हैं केजरीवाल को? आप बताइए, आप हाँ जानता हूँ। आप पहचान रहे हैं? आप पहचान रहे हैं केजरीवाल कौन है? केजरीवाल जानते ना हमें। सीएम कहाँ के? सीएम दिल्ली के। यहाँ पे मध्य प्रदेश आ रहे, क्या करने आ रहे? पता नहीं वो जिस जो हमें आपके तमाम जो आप पार्टी के दिल्ली से जो नेता आए हैं, जिसमें यहाँ पे चुनाव प्रभारी भी है, तमाम जो लोग हैं, ये 5 स्टार होटल में रुके। आपको लग रहा है कि आम आदमी के पहुंच पे 5 स्टार तक पहुंच पाएंगे क्या? उन लोग को इतनी बड़ी, अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम जनता के बीच की पार्टी है तो 5 स्टार होटल में क्या कर रहे हैं आपके नेता? नहीं देखिए, जनता के बीच में ही वो लेकर काम करते हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक। मैं केजरीवाल अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री के साथ तमाम मैं दूसरे जो दिल्ली के नेता भी आए हैं वो ताज होटल में रुके हैं, ताज होटल में ठहरे हैं। आप जनता के बीच में कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? ऐसे नहीं, जनता के बीच में पहुंचने का टाइम जो 2 बजे, आपको लगता है कि उचित था ताज होटल में रुकना नेताओं का, या जनता के बीच में? उनको मध्य प्रदेश देखिए, ये सुविधा सभी पार्टी के लोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप जनता की पार्टी कह रहे हैं ना? आम जनता की पार्टी ताजमहल में रुकेगी या आम जनता को मोदी जी चप्पल पहना के हवाई जहाज यात्रा करा रहे हैं? अगर हमारे लीडर, मैं आपके लीडर्स की बात कर रहा हूँ अभी, क्या आपके लोगों को ताज होटल में रुकना था? आप वो विरोध की बात देखिए, ये बचाओ, ये तमाम बचाव है। मेरे कैमरा पर्सन सुरेश कटियार से वो तस्वीरें और दिखाए, ये तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पे सभा शुरू होने जा रही है, और सभा के पहले का ये दृश्य है कि कुर्सियां नहीं भर पा रही हैं, और तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित भी दिख रहे हैं, आप पार्टी के तमाम जो नेता है कि कुर्सी नहीं भर रही है। इसके साथ में देखिए, दावा यह भी किया गया था कि तमाम जो लोग हैं जब यहाँ पे आएंगे तो आम पब्लिक की तरह, आम लोगों की तरह यहाँ पे रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ताज में रुके हुए नेता इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये नहीं होना था, क्योंकि आम जनता की ये पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, आम जनता से जुड़ी हुई पार्टी, तो उनको जनता के बीच में रहना चाहिए था।